टू ऑल, स्वस्तिक ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं अमरजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं सार्गासम का हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन सार्गासम। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन सार्गासम। हम प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं सार्गासम में, तो रिप्रोडक्शन बता चुके हैं आपको कितने टाइप के होते हैं। ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन आप लोग जानते भी हैं कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जहां की बात ये सार्गासम की जो बात है उसमें आप देखोगे तो वेजिटेटिव भी पाया जाता है और सेक्सुअल मेथड ही पाया जाता है। ये सेक्सुअल मेथड अब्सेंट होता है किसमें, सार्गासम। ठीक है, मैं आपको ये भी बता चुका था कि मेल पार्ट को हम क्या कहेंगे और फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं। जान भी लीजिए कि अगर फीमेल पार्ट है उसको हम कहेंगे ओगोनिया, और मेल पार्ट है उसको कहेंगे एंथेरिडिया। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट को एंथ्रेडिया और ओगोनिया कहते हैं। ठीक ना, एक स्पेशल करेक्टर इसके अंदर पाया जाता है। स्पेशल करेक्टर में क्या चीज कि अगर ये जो सेक्स आर्गन होते हैं एक कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर डेवलप होते हैं। कॉन्सेप्टिकल्स मीन्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेसल्स जो थैलस में पाया जाएगा, वेसल्स जो थैलस में पाया है और उसमें वो गड्ढा टाइप हो। देखिए, यह एपिडर्मिस हो जाएगा, इधर एपिडर्मिस हो जाएगा, एपिडर्मिस सेल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल्स हो जाएंगे, है ना, ये बाकी सब वही सेल्स हैं, बाकी इधर सब वही सेल्स। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्टिकल्स। ठीक है, अब जरा देखिए कैरेक्टर की मैं बात करूं तो इसमें one conceptical bear carrying only one type of sex organ। ठीक है, मतलब कि अगर एक conceptical है तो केवल और केवल एक ही sex organ को कैरी करेगा, या उस conceptical में एक ही sex organ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर वहां पर मेल पार्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये मेल फीमेल पार्ट बनाएगा, तो इसमें पूरे में फीमेल सेक्स ऑर्गन ही बनेंगे। मेल ऑर्गन बनाने के लिए इसमें क्या होगा, अलग से इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट किल्स होगा जिसमें अलग से ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, ग्रो करेगा, इसमें मेल ग्रो करेगा। क्या मेल ग्रो करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेगा। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओगोनिया। क्लियर है यहां तक? एक चीज और मैं बता रहा हूं, इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के मन में मोनोसियस और डाइवोसियस, अगर पूछेंगे सर कि मोनोसियस स्पीसीज फिर किसको कहेंगे या डाइवोसियस स्पीसीज फिर किसको कहेंगे, तो वो चीज मैं क्लियर कर दूं। मोनोसियस और
मोनोसियस एंड डाइवोसियस स्पीसीज, मोनोसियस एंड डाइवोसियस स्पीसीज। मोनोसियस आप जानते हैं यहां पर कि जब एक ही थैलस के ऊपर, एक ही थैलस के ऊपर जब दोनों सेक्स ऑर्गेन ग्रो करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसियस। एक ही थैलस के ऊपर बोथ सेक्स ऑर्गेन आर फॉर्म, है ना, दैट इज कॉल्ड मोनोसियस स्पीसीज। अब बात यह है कि थैलस एक हो, थैलस एक हो, लेकिन कॉन्सेप्टिकल्स मेनी होंगे, ये तो पता होगा। कॉन्सेप्टिकल्स क्या होंगे, मेनी होंगे। एक ही थैलस के ऊपर, एक ही थैलस के ऊपर एक में फीमेल ग्रो करेगा, एक में मेल ग्रो करेगा। आइए, दोनों मेल और फीमेल एक ही थैलस के ऊपर पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, मोनोसियस, ठीक है। और एक कॉन्सेप्टिकल्स में एक ही सेक्स ऑर्गेन का जर्मिनेशन होगा या वो पाया जाएगा, है ना, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब डाइवोसियस की अगर बात करेंगे हम, डाइवोसियस की अगर हम बात करें तो डाइवोसियस मतलब मेल जो होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन जो होगा वो किसी दूसरे थैलस पे ग्रो करेगा, और जिस थैलस पे वो ग्रो करेगा उस पे फीमेल ग्रो नहीं करेगी, है ना, या जिस थैलस पे फीमेल ग्रो कर रही है उस थैलस के पूरे स्ट्रक्चर में केवल फीमेल ही ग्रो करेगी, मेल ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो यह डाइवोसियस स्पीसीज हो गए। अब देखिए, अब जो होगा, जो मान लीजिए अगर किसी कोई थैलस है, मेल थैलस है, तो उस कॉन्सेप्टिकल्स में केवल और केवल मेल सेक्स ऑर्गेन ही बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गेन नहीं बनेंगे। और डाइवोसिस, और अगर जिस कॉन्सेप्टिकल्स यानी कि जिस थैलस में फीमेल सेक्स ऑर्गन बना है, तो उसमें हर एक कॉन्सेप्टिकल्स में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का ओरिजिनेशन होगा या जर्मिनेशन होगा या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर हम सर्गासम की बात करें तो मोस्ट स्पीसीज ऑफ सर्गासम, मोस्ट स्पीसीज ऑफ सर्गासम आर मोनोसियस, आर मोनोसियस, ठीक है। सर्गासम की जो स्पीसीज होती है, बहुत सारी स्पीसीज, सबसे अधिक स्पीसीज पाई जाएगी, जो भी स्पीसीज बनती है वो कैसी होती है, मोनोसियस होती है, ठीक है। अब हम जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल सेक्स ऑर्गेन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल सेक्स ऑर्गेन, है ना, मेल सेक्स ऑर्गेन, और मेल सेक्स ऑर्गन को कहते क्या हैं, क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। अगर रिडियम लग गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, एंथेरिडियम ऑर्गन कर देंगे और यहाँ पर हम एंथेरिडियम कहेंगे, ठीक है, एंथेरिडियम। अब देखिए यहां पर एंथेरिडियम के जो बेस पे, जहां थैलस के बेस पे जो लगा होता है उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कर, कुछ स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हो स्टॉक, और ये ओवल शेप का कैसा होता है, ओवल शेप का इस तरह, ठीक ना। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस जो एंथेरिडियम है, ठीक ना, जो एंथेरिडियम है वो उसके अंदर तीन लेयर पाए जाते हैं, क्या लेयर, तीन लेयर पाए जाते हैं, ठीक ना,
तीन लेयर पाए जाते हैं। आप देख रहे हो तीन लेयर पाए जाएंगे। यहां पर इसको कहेंगे बाहर वाले को, जो मैं ब्लू कलर का बनाया हूं, एक्सोकाइट, एक्सोकाइट, ठीक है। और जब जो मैं अंदर बनाया हूं इसको ब्लैक वाले से, इसको कहेंगे इंडोकाइट। क्या कहेंगे? इंडोकाइट। और जो मैं रेड कलर से बनाया हूं उसको क्या कहेंगे आप? मीजोकाइट। यह मीजोकाइट कितना हो गया? एक्सोकाइट, इंडोकाइट और मीजोकाइट। और यह देख रहे हैं जो यह है आपका स्टॉक, क्या है? स्टॉक है, ठीक ना। और इसके अंदर एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा कलर चूज करें यहाँ पे? चलिए इधर से ले। क्या होगा? एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन होगा, एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंथ्रेजॉइड इस तरह से। अब एंथ्रेजॉइड्स कैसे हैं? आप देख रहे होंगे एंथ्रेजॉइड्स आर बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड विच इज बाइफ्लैजेलेटेड, बाइफ्लैजेलेटेड विच इज बाइफ्लैजेलेटेड, है ना। ये कह सकते हैं बाइफ्लेजिलेटेड। आप देखे रहो ना, बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स दो, ये दोनों है, दो फ्लेजिला है। लेकिन इन दोनों फ्लेजिला की एक खास बात यह है कि बोथ फ्लेजिला आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों फ्लेजिला का आप अगर डायरेक्शन देख रहे हो तो उस डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं है। जो फ्लेजिला का ओरिजिनेशन है, यहां देखिए हमने ऐसे फ्लेजिला बनाया है ना, ऐसे तो एक फ्लेजिला इधर मूव कर रहा है, एक फ्लेजिला ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसको ना कहेंगे बाइफ्लेजिलेटेड, ठीक है। बाई तो दोनों है लेकिन क्या करेंगे? अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक। सिमिलर इन डायरेक्शन की अगर बात करें कि जब फ्लेजिला किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ग्रो कर रहा है तो क्या हो जाएगा? उस सिमिलर डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो बन रहा है, उसी डायरेक्शन में चल रहा है, सिमिलर हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इनकी फ्लेजिला की बात करें, यानी सर्गासम में जो एंथ्रेडिया होगा, एंथ्रेडिया में जो एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई, उसमें क्या हो रहा है कि फ्लेजिला का फॉर्मेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, है ना। ये खास बात है, ठीक। और ये तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि एंथ्रेडियम की क्या खास बात है, तो आप बता दीजिएगा। अब बताइए क्या, जब आप एंथ्रेडियम के स्ट्रक्चर को आप ड्रा करोगे तो एंथ्रेडियम कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट से अगर लगा होगा, थैलस से अगर लगा होगा, ठीक ना, तो उस थैलस से जहां सेल्स से क्या करेंगे, अटैच होंगी, उस सेल्स को क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे, है ना। उस सेल को क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। और उसके ऊपर वाले जितने भी सेल्स हैं, यानी जितना स्ट्रक्चर उसके ऊपर दिख रहा है, मेरे कहने का मतलब यहाँ कि यहाँ से ऊपर जितना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा आपका? एंथ्रेडियम होगा। क्या होगा? एंथ्रेडियम होगा। अब एंथ्रेडियम के अंदर एंथ्रेजॉइड पाए जाएंगे। एंथ्रेडियम तीन लेयर से मिलकर बना होता है, इंडोकाइट, एक्सोकाइट और मीजोकाइट, है ना। आप, मैं लिख भी दे रहा हूं कि टीएस सोइंग एंथ्रेडियम या फिगर सोइंग एंथ्रेडियम। अब कैसा है इसका स्ट्रक्चर? टीएस काट करके हमने दिखाया, ठीक है। ये रहा आपका कौन सा ऑर्गन बनाया है? ये रहा आपका मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रेडियम,
यहाँ पे देखिए मेल सेक्स आर्गन दैट इज एंथ्रेडी हमने बनाया। अब चलिए फीमेल सेक्स आर्गन पे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स। अभी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ओगोनियम। ओगोनियम में ओगोनियम जो डेवलप होगा, जो ओगोनियम डेवलप होगा कहाँ होगा, एक कॉन्सेप्टिकल्स में डेवलप होगा। क्योंकि मेल भी डेवलप कहाँ होगा, कॉन्सेप्टिकल्स में, और फीमेल भी कहाँ डेवलप होगा, कॉन्सेप्टिकल्स में। ये मैंने आपको बना दिया कॉन्सेप्टिकल्स, है ना, ये हमने बनाया कॉन्सेप्टिकल्स। अब इस कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर, कुछ ओगोनियम ओवल शेप के, अंडाकार शेप के इस तरह से पाए जाएंगे, ठीक है। और बीच बीच में पैराफाइसिस, ऐसे बने, पैराफाइसिस। इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये आपका मैं दिखा रहा हूं, जो ये है वो क्या है, रिसेप्टिकल है। ये जो ओपनिंग क्या है, ओस्टियोल है, ठीक है, ओस्टियोल है। ये जो ब्लू कलर का मैं दिख रहा हूं वो क्या है, पैराफाइसिस है, ठीक है। रिसेप्टिकल्स, ये जो गोल जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिसेप्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर रिसेप्टिकल्स है। जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सब ब्लैक कलर का हमने बनाया है, सब चीज़ें सब रिसेप्टिकल्स है। ये कॉन्सेप्टिकल्स है, ये वाला स्ट्रक्चर जो राउंड राउंड गोल कलर गोल है, जो इस तरह से इसको कहेंगे कॉन्सेप्टिकल्स कहेंगे, रिसेप्टिकल्स कहेंगे, और पैराफाइसिस हो गया आपका। और इसके अंदर यानी कि एंथ्रेडियम के बाद जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप क्या होगा, स्टार्क होगा, है ना। चलिए अब इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन होगा आपका। अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एंथ्रेडियम कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, मतलब बायफ्लेजिलेटेड और पैरेलल इन डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल नहीं कहेंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन कहेंगे, ठीक। और आपका ये आपका ओगोनियम। अब फ्लेजिला के साथ एंथ्रेजॉइड जब आएगा तो ओगोनियम के चारों तरफ क्या करेगा, चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएंगे सर, ठीक है, चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक। चूंकि एंथ्रेजॉइड जो आएंगे वो एक से अधिक होते हैं, संख्या में एक से अधिक होते हैं, लेकिन उस एंथ्रेजॉइड में जो सबसे फास्ट वाला होगा वही क्या करेगा, ओगोनियम वाल को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, है ना, ओगोनियम वाल को पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके अपना जो न्यूक्लियस है वो ओगोनियम के न्यूक्लियस से क्या कर जाएगा, फ्यूज कराएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मेल एंड फीमेल जब न्यूक्लियस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, आने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा भैया, इसको कहेंगे जायगोट। क्या कहेंगे, जायगोट। अब ये जायगोट कैसा होगा, तो ये जायगोट 2n टाइप का होगा, कैसा होगा, 2n टाइप का होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर जब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होगा और ना ही माइटोसिस मियासिस डिवीजन होगा, यहां पर होगा आपका माइटोसिस डिवीजन। एक खास बात है, यहां पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा।
मतलब कि जायगोट से पहले दो एक सेल रहेगा, एक सेल से कितना बनेगा, दो सेल बनेंगे अंदर ही अंदर, दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ, के आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, इस तरह से सेल, यानी कि मल्टीपल सेल का डिवीजन होगा और मल्टीपल सेल का डिवीजन होगा और वो क्या करेंगे, वो अलग हो करके क्या बनाएंगे, एक नया थैलस बनाएंगे, एक जायगोट एक थैलस का फॉर्मेशन करेगा, है ना, एक जायगोट एक थैलस का फॉर्मेशन करेगा। और जब एक थैलस का फॉर्मेशन करेगा तो जायगोट कैसे बना था, 2n टाइप का था, और 2n टाइप का था दैट मींस क्या था, डिप्लॉइड था ना भाई, क्या था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था मियासिस डिवीजन, क्या होना चाहिए था, मियासिस डिवीजन, लेकिन मियासिस डिवीजन नहीं हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या आपका माइटोसिस हुआ, क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस डिवीजन में कितना होता है, क्रोमोजोम का संख्या क्या होता है, सेम होती है, कॉपी होती है, यानी कि डिप्लॉइड है तो आने वाली जो स्ट्रक्चर था, जो थैलस था, वो उससे कैसा होगा, वो भी डिप्लॉइड नेचर का होगा। ठीक है, तो हमने आपको एक समरी हम बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, चलिए मोनोसिस डायवर्सिस स्पीस हम लोग समझ गए, कहाँ से क्या होता है, रिसेप्टिकल्स क्या क्या होते हैं, कॉन्सेप्टिकल्स क्या क्या होते हैं, क्या होता मेल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर, है ना, क्या होता फीमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होना चाहिए, कहाँ पे मियासिस डिवीजन होना चाहिए, ये सब हमने आपको डिस्कस करके बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होने वाला है वो आपके जो इसमें क्वेश्चन होंगे, कमेंट होंगे, या जो क्वेश्चन हम डालेंगे, कैसे कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके कैसे सोल्यूशन को हम वहाँ पे सोल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आने वाले वीडियो में हम पूरे इस टॉपिक का, यानी कि सारगासम के पूरा टॉपिक का, यूनिवर्सिटी में कैसे एग्जाम पूछे जाते हैं, आपको कैसे उसमें पुटअप करना चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए, आपको पढ़ना क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक ना, और जो टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं लोग ना, वो भी जान लें कि वो उनके भी यहाँ पे यह जो एलगी है, एलगी है ना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइटोसिस डिवीजन कहाँ होता है, मियासिस डिवीजन कहाँ होता है, किस फेज में होता है, तो आप पर कंफ्यूज कर, क्योंकि आप जानते हो कि डायरेक्ट बाद जायगोट के बाद मियासिस डिवीजन होना, माइटोसिस, सॉरी मियासिस डिवीजन, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस होता है ना, उल्टा है। तो इस बेस पे हम आने वाला जो वीडियो होगा इसके इस टॉपिक पे होगा कि आप लोग के सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए जाएंगे, जो आप लोग हमको कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं, उनके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, है ना, सारे चीज अब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्वेश्चन बेस्ड होगा, वो मैसेज बेस्ड होगा और इस टॉपिक बेस्ड होगा, टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो उसमें क्या कीजिए, इसको अधिक से शेयर कीजिए ताकि अगले को भी इसका फायदा मिले, लाभ मिले, और अधिक से अधिक क्या करें, इसको लाइक करें और इस पर कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है ना कि हम लोग को एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है, एनर्जी मिलती है। और आप अगर उसमें कुछ कमेंट में कुछ लिखेंगे, मैं सर इसको ऐसे पढ़ा दीजिए, ऐसे बता दीजिए, तो उसमें सुझाव कुछ देंगे ना, तो सुझाव क्या होता है, सुझाव देंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, उस चीज को हम अपने आप अंदर सुधार कर लेंगे और वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो बनेगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।